सुप्रिंटेंडेंट का अपील है कि नेता लोग नहीं आए, उनसे दिक्कत होती है। आप लोग के आने से आप लोग सुप्रिंटेंडेंट ने अपील किया है कि नेताजी लोग के आने से दिक्कत होती है। अच्छा मिल के अच्छा ठीक है हेलो हेलो भाई मीडिया वाले अंदर नहीं जाएंगे एक लेना दीजिए हट जाए एक शॉट एक शॉट काट दिया हम लोग कुछ गलत नहीं हम लोग यहाँ चलिए हो गया सर लेकिन यहाँ जो हॉस्पिटल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है डॉक्टर्स हैं वो बहुत से लोग बाहर से आ गए हैं और जो वार्ड है वो भी बड़े हैं तो यहाँ के जो डॉक्टर हैं सुप्रिंटेंडेंट है वो अथक प्रयास कर रहे हैं और पूरी तरह से इस चुनौती से निपट रहे हैं। और मैं ये मानता हूँ कि पिछली बार जो वादे किए गए थे यदि आज तक वो पूरे हो गए होते तो निश्चित तौर पर इस तरह का हादसा कब होता। एक और बात कहना चाहता हूँ कि इसका जरूर ये किस कारण हो रहा है, क्या काज है, आज इतनी दुनिया आगे बढ़ गई है और हम ये नहीं खोज पा रहे इसके कारण क्या है। मुख्यमंत्री हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं, लू का क्या कहेंगे, लू का सर्वेक्षण कर रहे हैं। ऐसा है ना कि मैं यहाँ बहुत सी चीज़ें नहीं जानता, मैं तो एक इंसान के नाते यहाँ आया हूँ और ये भी आपसे कहना चाहता हूँ कि मैंने कहा कि ये व्यवस्था का पूरी तरह से फेलोर है। तेजस्वी यादव कब आएंगे? तेजस्वी यादव वो भी आएंगे, वो भी आएंगे। चिराग पासवान और पहले चिराग पासवान गोवा में पिकनिक मना रहे हैं, क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस मामले में पार्टियों के लोग आ रहे हैं और यहाँ आने से दिक्कत होती, मैं मुझे और दूसरे वार्ड में जाना था लेकिन इतनी भीड़ है कि मैंने चाहता कि पेशेंट को कोई असुविधा हो, सिर्फ मैं उनकी तकलीफ में यहाँ शरीक होने आया हूँ। हवाई सर्वेक्षण हो सकता है क्या? लू का हवाई सर्वेक्षण किया जा सकता है क्या? बाढ़ सूखा तो है नहीं? ऐसा है ना कि इन सारी बातों पर अभी इस समय जो तरह की तैयारी हो रही है वो पहले से होती तो ज़्यादा अच्छा था। अच्छा। और अभी भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी सक्षम मंत्री को सर्वाधिकार दे करके यहाँ बिठालना चाहिए, यानी सर्वाधिक ताकत दे करके फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन सभी तरह का कोई सक्षम मंत्री जो है उसकी यहाँ ड्यूटी लगना चाहिए जिससे आज की परिस्थिति का तत्काल मुकाबला सक्षम तरीके से हो सके। और पूरे देश में डॉक्टर भी यहाँ आए हुए हैं। यही सवाल